अपनी कुछ संकट हैं, अपनी कुछ चाहे हैं, अपनी कुछ मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं। अभी ये निर्भर भक्त नहीं है, पर उसी मार्ग में चलना है इसे, तो कैसी धारणा करे कि सब कुछ देने में समर्थ मेरे प्रभु हैं। अब अपनी चाह मैं प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूं, क्या मेरा मंगल होगा इस चाह से, या कैसे इस चाह की पूर्ति होगी और होनी चाहिए कि नहीं, ये सब बातें प्रभु के ऊपर हम छोड़ देते हैं। हम चाह तो नहीं छोड़ पाए, पर इस चाह को प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं, और वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वो आपकी बात जानते हैं। अब वो प्रभु क्या विधान करते हैं ये तुम्हें केवल देखना है और उस विधान में संतुष्ट होना है, ये बात पकड़ना है आपको। प्रभु के द्वारा किए हुए विधान में तुम्हें संतुष्ट होना है। यदि असफलता से तुम्हारे हृदय में संसार के प्रति वैराग्य होकर भगवत प्रेम प्राप्त करने का भाव सुदृढ़ प्रभु देख रहे, तो कभी तुम्हें सफल नहीं होने देंगे। हर जगह तुम्हें असफल होगा, तब लगेगा तुम्हारे अहंकार को कि मैं नीच, किसी काबिल नहीं, त्राहि माम शरणागत, सोई उठा लेंगे। ध्यान रखना, ऐसा मत अविश्वास करना कि भजन करता हूं, प्रभु की शरण में हूं, मेरी चाह पूरी नहीं हुई। जब देखो, जहां देखो वहीं असफलता, इसका मतलब है कोई प्रभु नहीं है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, ऐसा मत मानना। वो असफलता दी ही जा रही परम सफलता के लिए। अगर असफलता में असंतुष्ट हो गए तो विश्वास डगमगा जाएगा, और विश्वास डगमगाया तो भक्ति मार्ग छूट जाएगा। कहां प्रभु, वर्षों से चाह लिए बैठा हूं और इतना इतना सब, आज तक कहीं कहीं कोई सफलता नहीं दिखाई दे रही। वो निर्णय प्रभु के ऊपर छोड़ देता है भक्त। और दूसरी कोटि का भक्त, जिसे भक्त कहते हैं, अभी वो भक्त बनने वाले की बात कहेंगे, जो दूसरी कोटि का भक्त होता है, प्रणाम है ऐसे भक्त को, वो केवल केवल भजन करना चाहता है, बस भगवान मिले कि ना मिले, सिद्धि मिले कि ना मिले, काम क्रोध जाए कि ना जाए, हमसे इसे कोई मतलब नहीं। हर क्षण मधुर मधुर केवल प्रभु का भजन बनता रहे, उनकी स्मृति बनती रहे, जब उनका मन आवे मिलने, जब उनका मन आवे विकार हटा दे, राधा राधा, कितना आनंद है। अभी देखो कि अच्छा विकार होता कहां है, समझना, चतुराई है ये। जब भजन नहीं होता, विषय चिंतन होता है, तब विकार होता है। भजन हो रहा है तो विषय चिंतन नहीं हो रहा, जब चिंतन ही नहीं हो रहा तो उसकी सत्ता ही नहीं है। केवल भगवत चिंतन की मांग, कोई बिरला होता है ऐसा। पहली जो अभी बात बताई गई, लगभग लगभग इसी में सब होते हैं। कम से कम सम्मान से तो यार जीवित रहे, ये भी चाह है। चार लोग वाह वाह ही वाह, इतना तो चाहिए ही, ठीक है। कीर्ति समुद्र है प्रभु, ये बात समर्पित कर दो प्रभु के चरणों में, उनको लगेगा तो इसके विपरीत सैकड़ों बार तुम्हारा अपमान करवाएंगे, नशा हिरन हो जाएगा कीर्ति का। अगर उनको लगा कि संभल करके निकल जाएगा तो दे भी सकते हैं, वो सच्चे हैं, सत्य हैं, वो वही करेंगे जिससे तुम्हारा मंगल होगा। आप कभी अविश्वास मत करना, उनके हर विधान में परम मंगल छुपा हुआ है। जो निरंतर भजन करना चाहता है, भगवान उसके अधीन होते हैं, उसको यह भी फिक्र नहीं होती कि कब प्रभु के दर्शन होंगे, कैसे प्रभु के दर्शन होंगे, वे सब प्रभु को स्वतंत्र कर, आपका जब मन हो जैसे। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि भजन करने में उसको इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, और जब भजन में आप तन्मय होंगे तो आप कहो कि प्रभु कभी मत मिलना, वो दूर नहीं रह सकते, वो आपके नेत्र में मन में समा जाएंगे, क्योंकि नाम नामी एक ही है। जब नाम चल रहा है तो रूप लीला सब चल, ये बड़ी चतुरतापूर्ण भक्ति का स्वरूप प्रकाशित हुआ। कुछ नहीं चाहिए, भगवत दर्शन की भी, भगवत भजन की, ये खास बात हमने बड़े बड़े महापुरुषों से सुनी है कि जो उत्तम भक्त होता है, किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं,
केवल भजन, भजन के लिए भजन। श्री हरिवंश नाम नित कहो और नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा, ये है। रात दिन नाम जप कर रहे हैं और नाम का फल नाम में प्रीति होना, और नाम ही हमारी गति। अब हमें कोई गति नहीं चाहिए, कोई मति नहीं चाहिए, कोई फल नहीं चाहिए, निरंतर भजन चल रहा है। जब कोई शर्त आपने नहीं रखी तो कोई शर्त आपने भी नहीं रखी। बिना शर्त के आप प्रेम कर रहे हो तो बिना शर्त के वो बिक गए। अब कोई परीक्षा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, ध्यान रखना। ये प्रश्न और परीक्षाएं जितनी बातें हैं ये सब पहले में हैं, जो अभी वर्ण इसमें नहीं, उसकी चाह ही नहीं है। मिलो ना मिलो, मान करो अपमान करो निंदा करो, लाभ है हानि है दुख है, इससे कोई मतलब। एक बात पकड़ लो, मुझे भजन करने के लिए ही भजन करना है। आपको क्या मिला इतने दिनों से भजन कर रहे हो? यही कि इतने दिनों से हमारा समय भजन में जा रहा है, यही मिला और क्या। नहीं, कोई भगवान कोई अनुभव हमें जरूरत नहीं है। राधा 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 राधा, देखो तो आप करके, जो शास्त्र कह रहे महापुरुष कह रहे इसमें बहुत रहस्य होते हैं। आप लोगों का दर्शन की भी लालसा नहीं, इसलिए कि वो समा गए तुम में। रोम रोम हरि रमि रहे रही नहीं कोठो। आप देखो तो कर, ये संतों की बड़ी रहस्यमय वाणी होती है। भगवान स्वयं मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं ऐसे भक्त से मिलने के लिए। भगवान स्वयं सेवा का अवसर देखते रहते तभी मल भरी लंगोटी धो रहे हैं। ये बहुत ऊंची भक्ति का स्वरूप है। जैसे स्नेहमयी मां समर्पित बालक के प्रति हर क्षण उसी का चिंतन करती रहती है, ऐसे ही वात्सल्य समुद्र भगवान हर क्षण उस भक्त का चिंतन करते रहते हैं, जिसकी कोई शर्त नहीं, कोई मांग नहीं, बस केवल भजन के लिए भजन। संसार में देखने को मिलता है कि एक अल्पज्ञ अल्प शक्ति वाले को भी जब अपना मान लेता है या उस पर विश्वास कर लेता है तो निर्भय हो जाता है। जैसे एक पत्नी पति को या किसी बलवान को, एक परिवार ने दूसरे किसी बलवान को, या जैसे कोई रोगी किसी डॉक्टर को, वो क्या औषधि दे रहा कोई परिचय नहीं, पर उसने कह दिया हम ये डिग्रियां प्राप्त किए, इस रोग के हम ज्ञानी हैं, हम जो औषधि देंगे बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ आप रोग मुक्त हो जाओगे। हम विश्वास कर लेते हैं और कहीं ना कहीं हमारे हृदय से भय जाने लगता है कि अच्छा डॉक्टर मिल गया है, लेकिन वो धोखा है, वो अल्पज्ञ है, उसको एक सीमा का ज्ञान है। ओ असीम ज्ञान वाले प्रभु, आज तक प्रभु के द्वारा कोई धोखा नहीं हुआ किसी के साथ, कहीं कोई इतिहास में ऐसा नहीं। मंगल भवन है, जिनको तीक्ष्ण बाणों से बेधा उनको भी ऋषि मुनियों के द्वारा वांछित परम पद प्रदान किया, ऐसे मंगल भवन है। हमारा पूरा का पूरा समर्पण प्रभु के चरणों में हो जाना चाहिए। ये वही कर सकता है जिसका ध्येय बन गया है संसार से मुक्त होना। कोई भी लौकिक पारलौकिक पद ऐश्वर्य भोग सामग्री अगर आपके हृदय में इनका स्थान है तो आप पहले जो वर्णन हुआ उस कोटि के भक्त हैं, तो उसके लिए भी उपाय बता दिया, समर्पित करके निश्चिंत हो जाओ जैसा विधान हो रहा है, दुख सुख के समय कृत्वा लाभा लाभ हो जय अजय, वो चाहे सफल हो या असफल हो, लाभ हो या हानि हो, सुख या दुख को समान रखना, क्योंकि वो सर्वज्ञ वही विधान करेगा जिससे तुम्हारा मंगल होगा। जब साधक लौकिक पारलौकिक समस्त भोगों से वैराग्य प्राप्त कर लेता है तब उसके हृदय में दैवी शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, दिव्य, उसका अंतःकरण एकदम निर्मल शुद्ध सात्विक होने लगता है। इंद्रियां स्वाभाविक अंतर्मुख रहती हैं, बहिर्मुखता नष्ट हो जाती है, क्योंकि चाह से ही बहिर्मुख होता है। घर से बाहर कब निकलता है? जब काम होता है।
अब काम है नहीं, चाह है नहीं, तो इंद्रियां अंतर्मुख हो गई, बहिर्मुख नहीं। मन को विषय अच्छा ही नहीं लगता, कैसी सुंदर स्थिति है। मन को विषयों से हटाते उसी में चिपकता है, क्योंकि मलयुक्त है। और जो केवल भजन के लिए भजन करता है उसकी इंद्रियां अंतर्मुख हो जाती है, हृदय पवित्र हो जाता है, मन विषयों की तरफ जाता ही नहीं है। आई बात देखो, इतना एकाग्र मन हो जाता है कि सुख है तो भजन चल रहा है, दुख की परिस्थिति है तो भजन चल रहा है, शीत है तो भजन चल रहा है, उष्ण गर्मी है तो भजन चल रहा है, मान है तो भजन चल रहा है, अपमान है तो भजन चल रहा है, कोई निंदा कर रहा है तो भजन में फर्क नहीं, कोई प्रशंसा कर रहा है तो फर्क नहीं। ये करना नहीं पड़ा उससे समान भाव। एक होता है समान भाव करना और एक होता भजन के बल से स्थिति आना। जिसने ये नियम ले लिया है भजन के लिए भजन, बहुत काम की बात है, बहुत अंतिम विश्राम की बात है। अब प्रभु की प्राप्ति के साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन है संत सद्गुरुदेव के वचन पर विश्वास। संतों से सुना गया है कि प्रभु के सिवा तुम्हारी कहीं तृप्ति नहीं हो सकती। मानो इस बात को, अनुभव करके तुम नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि बहुत जन्म हो गए अभी तक अनुभव नहीं कर पाए। तो अगर सोचो कि मैं भोग करके अनुभव कर लूं तो कभी इसमें विश्राम नहीं मिलेगा, कभी तुम अनुभव ही नहीं कर पाओगे। तो क्या करें, अनुभूत महापुरुषों के वचनों को मान करके छोड़ दें और पकड़ लें, प्रभु के नाम रूप को पकड़ लें और संसार के नाम रूप विषयों को छोड़ दें।